नमस्कार, सुसलाइट इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। हमारे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे कि नोटिफिकेशन मिलेगी आपको हमारे आने वाले नए वीडियोस के। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का वीडियो। आज हमने इस तरह से देखे, पर्दे वाली पाइप रहती है, उस पाइप में हम इसे डाल सकते हैं। तो इस तरह का पट्टा हमने बनाया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का वीडियो। इसके लिए देखे, पुराने पर्दे के जो ये रिंग रहते हैं, इस रिंग को हमने यहाँ पर लिया है। ये देखें, यहाँ से पीछे का जो ये भाग रहता है वो यहाँ पर लगे रहते हैं, इसे हमने निकाल लिया है और इसे रख देंगे हम। इसमें हम बनाएंगे, ये देखें इस तरह का रिंग, इसमें हम बनाएंगे। हमने ये निकाल के ले लिया है, देखें। यहाँ पर हमने पिंक कलर का ऊन लिया है और ग्रीन कलर में है, आप अपनी पसंद का कोई भी कलर ले सकते हैं। एक पेंसिल हमने लिया है फ्लावर बनाने के लिए। 6 नंबर की मोती है, देखें, गोल्डन में हमने लिया है। यहाँ पर हमने पिंक कलर का ऊन लिया है पहले, ये देखें इस तरह से। यहाँ रिंग में हम इसे इस तरह से इस रिंग को हम पैक कर लेंगे सिंगल क्रोशे से, ये देखें इस तरह से। ये देखा, हमने यहाँ पर इसको 48 क्रोशे लेके हमने इसे यहाँ पर जोड़ दिया है। यहाँ पर एक चैन ले लेंगे, सिंगल क्रोशे बना लेंगे। यहाँ हर एक चैन में हमने यहाँ पर एक लाइन सिंगल क्रोशे बना ली है। सिंगल क्रोशे यहाँ पर बना लेंगे हम एक लाइन। ये देखें, हमने इस तरह से एक सिंगल क्रोशे बना ली है एक लाइन। और यहाँ पर हम धागे निकाल लेंगे। यहाँ पर हमें ग्रीन कलर की ऊन लगानी है। यहाँ पर हमें डबल क्रोशे बनानी है, तो हम यहाँ पर जोड़ के और एक चैन ले लेंगे। एक में हमें 4 क्रोशे बनानी है, डबल क्रोशे, 2 बना लिया हमने। यहाँ पर एक चैन ले लेंगे, 2 और बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से, एक में हमने 4 बनाई हैं, बीच में एक चैन लिया है। यहाँ पर हर एक चैन में 11 क्रोशे बना लेंगे डबल क्रोशे। ये देखें, यहाँ पर 11 क्रोशे हमने बनाए हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 11। फिर यहाँ 12वें चैन में हमें एक ही में 4 क्रोशे लेनी है। पहले हम 2 लेंगे, फिर एक चैन लेंगे, फिर 2 लेंगे उसी में। ये देखें इस तरह से, फिर यहाँ पर हर एक चैन में 11 क्रोशे, 11 चैनों में 11 क्रोशे हमें बनानी है डबल क्रोशे। देखें इस तरह से, इस तरह से ये पूरी लाइन बना ले। ये देखें, हमने एक लाइन इस तरह से बना लिया है और यहाँ पर हम इसे जोड़ देंगे।
दो चैन यहाँ पर बना लें, फिर एक चैन के ऊपर हम एक ले लेंगे क्रोशे, एक लाइन और हमें यहाँ पर बनानी है, और जहाँ पर हमने चैन लिया है कीधे के बीच में, चार के बीच में, यहाँ पर वापस हमें चार बनानी है क्रोशे, चार के बीच में एक चैन ले लेंगे। ये देखें दो हमने बनाई हैं, एक चैन ली, फिर दो उसी में बनाएंगे हम। इस तरह से हर चैन के ऊपर हम एक ले लेंगे क्रोशे। यहाँ पर 13 क्रोशे आएंगे कुल, क्योंकि हमने जहाँ बीच में 11 ली है तो दो एक इस तरफ से, इस तरफ से बढ़ेगा तो 13 आएंगे। देखें 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, फिर दो के ऊपर हम दो बना लेंगे। फिर चार के बीच में देखें यहाँ पर हमने दो बनाई उसी में, फिर एक चैन लिया हमने उसी में दो और बना लेंगे इस तरह से। तो इस तरह से ये लाइन हमें बना लेनी है। देखिए ये चौकोन दिखेंगे इस तरह से, तो इस तरह से ये लाइन पूरी बना लें आप। ये देखिए इस तरह से हमने ये एक टिक्के इस तरह से बना दी। हम दूसरा भी इसी तरह से बना देंगे। देखें दो लाइन हमने डबल क्रोशे की है, एक सिंगल क्रोशे और एक रिंग में हमने रिंग को भरा है सिंगल क्रोशे से, और यहाँ पर हम दूसरे टिक्की में से जोड़ लेंगे। यहाँ पर स्लिप चैन ले लें, जहाँ पर हमने एक चैन लिया है ये देखें, यहाँ से हम एक स्लिप चैन ले लेंगे यहाँ, और इसका दूसरे टिक्की का भाग भी हम बीच से जहाँ चैन लिया हमने वहाँ से इस तरह से जोड़ लेंगे। यहाँ पर एक चैन कर लें, फिर दोनों को ये देखें दोनों को मिला के इस तरह से, इसका एक हिस्सा ये देखें इस तरह से जो चैन है, चैन का ये हिस्सा छोड़ देंगे हम, ये लेंगे यहाँ से भी एक लाइन छोड़ देंगे, दूसरे लाइन में लेंगे इस तरह से। दोनों का एक एक हिस्सा हमें लेके इस तरह से जोड़नी है। तो इस तरह से जोड़ लें इसे। यहाँ बीच का हिस्सा और ये बीच का हिस्सा यहाँ पर लेके इस तरह से जोड़ के, और यहाँ पर धागे निकाल लें। ये देखें इस तरह से हम सारे टिक्की बना के जोड़ लेंगे, जितना दरवाज़ा पर्दे का है लंबाई। तो हमने यह देखें हमने जोड़ दिया, यहाँ पर हमने 10 रिंग दिया है,
दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, दस रिंग हमने लिया है, दस रिंग लेके हमने इसे जोड़ दिया है। और इसका बॉर्डर के लिए हमने देखे बॉर्डर इसका मैं आपको इसमें बता दूँ, दो यहाँ पर सिंगल क्रोशे ले लेंगे, फिर हर एक चैन में हम एक एक सिंगल क्रोशे लेते जाएंगे। यहाँ पर बीच में हमने ये देखें यहाँ पर हम दो ले लेंगे और इस तरफ हमें दो लेनी है, ये देखिए चार हमने यहाँ पर ली है, तो इस तरह से चार ले लें। फिर यहाँ पर एक एक इस तरह से आप ऑर्डर बना ले चारों तरफ, यहाँ भी यहाँ बराबर लेना है यहाँ, और यहाँ पर चार लेना है कॉर्नर में, हमने दो से शुरुआत की है, फिर यहाँ पर दो हम ला के उसी में ख़त्म करेंगे। तो इस तरह से इसका बॉर्डर बना लें आप, ये देखें इस तरह से हमने पेंसिल ले ली है, दोनों को इस तरह से जोड़ दें। ये देखें 35 या 40 फिर आप ले सकते हैं, और यहाँ पर ये धागे काट लें, ये दोनों को इस तरह से जोड़ दें। और यहाँ पर इसे हमने ज़्यादा टाइट नहीं करी थी, निकालने में फिर थोड़ी दिक्कत होगी, ये देखें इस तरह से हमने इसे बांध दिया। ये पेंसिल फ्लावर इस तरह से बन जाएंगे, ये देखिए इस तरह से, तो इस तरह से हमने ये बना के रखे हैं, ये देखिए। इसके नीचे के लटकन के लिए देखिए हमने चार उंगलियों पर इस तरह से लपेट के पच्चीस फिर आप लपेट लें इसे। दो धागे इस तरह से एक्स्ट्रा काट लेंगे और इस तरह से इसे बांध दें। ये जो हिस्सा है ये भी हम इसमें इस तरह से ले लेंगे और इसे यहाँ पर बांध दें। ये देखिए हमने यहाँ पर जहाँ से बांधा है इस तरह से ले लें, यहाँ पर गांठ लगा ले, दो चैन ले लेंगे, फिर से इस तरह से पांच फेरा लेके हम यहाँ पर पफ बना लेंगे।
सात फेरा भी आप ले सकते हैं, घना करना है तो आप ज़्यादा ले लें। ये देखें इस तरह से, और इसे बांध दें। एक और ले लेंगे तो हम यहाँ पर दो चैन और कर लेंगे, दो चैन। उसके बाद एक और यहाँ पर हम बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से दो हमने यहाँ पर ग्रीन की बनाई है, और ये धागे जो है एक चैन करके, और जितनी लंबा हमें रखना है लाइन उतना लंबा हम ये धागा खींच के ले लेंगे। ये देखिए इस तरह से एक लाइन और हमें इस तरह से बनानी है। ये देखिए हमने यहाँ पर दो लाइन ली है, धागे हमने एक्स्ट्रा इस तरह से ले लिया है। यहाँ पर हम दो मोती डालेंगे। ये देखें यहाँ पर हमने दो मोती इस तरह से दोनों धागे को मिला के हमने यहाँ पर लिया है, दो मोती हमने यहाँ पर डाल लिया। एक फ्लावर लेंगे, आप सुई की सहायता से भी आप डाल सकते हैं। एक फ्लावर ले लेंगे हम यहाँ पर, फिर दो मोती लेंगे। आप एक मोती भी डाल सकते हैं। एक फ्लावर, इस तरह से बना ले दो दो मोती डाल के, एक फ्लावर डाल के। ये देखिए इस तरह से हम लरी बना लेंगे। यहाँ पर हमने 10 रिंग का बनाई है, तो ये देखिए जहाँ पर हमने जॉइंट किया है यहाँ पर हम लरी लगाएंगे। लरी हमने यहाँ पर बिठाई है, तो यहाँ पर हमने 10 रिंग में हमने 11 लाइन यहाँ फ्लावर की बनाई है, 11 लाइन। तो ये देखिए पहले लाइन में हमने 22 फ्लावर इसमें जोड़ा है मैंने, दूसरे में दो कम करके 20, तीसरे में 18, फिर चौथे में हमने दो और कम किया है 16। तो दो दो कम करके हम हर लाइन में इस तरह से बनाते जाएंगे। ये देखिए इस तरह से दो दो कम करके हमने लिया है यहाँ पर, यहाँ पर हमें लगानी है, तो मैं लगाना आपको बता देती हूँ। ये देखें जो हमने चार क्रोशे जहाँ पर लिया है वहाँ बीच में हम इस तरह से लेके बांध देंगे धागे। पीछे की तरफ हमने इस तरह से बांध लिया है, और यहाँ पर धागे निकाल लें। ये देखें इस तरह से लरी लगा लेंगे हम। तो इस तरह से हमने ये लरी सारी लगा ली है। ये देखें आप नज़दीक में बनाने चाहते हैं तो बीच से भी एक लरी आप ले सकते हैं। आप ये 12 का भी बना सकते हैं, 14, 16, जितना भी हो आप ये बना सकते हैं। तो पहली लाइन जो है लंबी आएगी, तो इस हिसाब से आप बना लें। ये देखिए इस तरह से हमने लास्ट में यहाँ पर चार फ्लावर आई हैं, और पहले में मैंने बताया था 12 पहले लाइन में आई हूँ,
22 फ्लावर पहले में है और लास्ट में चार आई हैं। 11 लाइन कुल हमने इसमें बनाई हैं और रिंग जो है 10 है और 11 लाइन हमने यहाँ पर बनाई हैं। तो इस तरह से आप बना लें। इसे हम पर्दे के पाइप में भी इस तरह से डाल सकते हैं। ये देखिए इस तरह से। आप लगा ले, ये देखें। हमारे वीडियो और डिजाइन आपको कैसे लगे? हमारे डिजाइन अगर आपको पसंद आए हो तो हमारे वीडियो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।